मित्रों, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं इस चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी। आप लोगों को जो मैं बताता हूँ, कोई साधना सिखाता हूँ, कोई टेक्निक बताता हूँ, कोई योग की टेक्निक बताता हूँ, जिससे कि आप लोग स्वस्थ रह सके, खुश रह सके, तरक्की कर सके अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छा बना सकें। ये तो ठीक है, पर मेरी जिम्मेदारियां कुछ और भी हैं। उन जिम्मेदारियों के प्रति मैं जवाबदेह हूँ। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चलो आज आपसे सवाल पूछते हैं और ईमानदारी से आप जवाब देना। आप अमेरिका में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक से देना। प्रश्न नंबर एक, क्योंकि बात अस्मिता की आ गई है, भारत की अस्मिता का सवाल है, इसलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न नंबर एक, हमारा भारत कहां से कहां तक था? मैं आज के भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। आप लोग बताइए कि हमारा भारत, अखंड भारत कहां से कहां तक था? ठीक। प्रश्न नंबर दो, आखिरी बार जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, वह किस आधार पर हुआ था? बहुत सोच समझ के उत्तर देना। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपके उत्तरों का और सभी प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारत का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? प्रश्न नंबर तीन, भारत किस धर्म के लोगों को मिला था? जब 1947 में बंटवारा हुआ, तो ये भारत किन लोगों के लिए मिला था? प्रश्न नंबर चार, भारत का बंटवारा हुआ, जब यह देश हिंदुओं को मिल गया, तो बाकी लोग भारत में किस हैसियत से रहते हैं? जब यह हिंदुस्तान हो गया, तो भारत के लोग किस हैसियत से इस देश में रह रहे हैं, अन्य लोग वो किस हैसियत से रहते हैं? अगला प्रश्न, इनको नागरिकता का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, क्या यह भारत के साथ छल नहीं है? ये सारे अधिकार देना क्या भारत के साथ आत्महत्या करना जैसा नहीं है?
भारत में और एक बंटवारा कराने की मांग। अगला सवाल है कि भारत में एक और बंटवारा कराने की जो मांग हो रही है वो तो कहाँ तक उचित है और आप उसका कितना समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो, वैसे तो ऐसा होना नहीं है पर मान लो कि अगर एक बार फिर से बंटवारा भारत का फिर से कर दिया जाए तो क्या राष्ट्र विरोधी तत्व एकदम से भारत से चले जाएंगे या फिर कुछ यहीं रह जाएंगे और 50-60 साल बाद फिर से भारत के बंटवारे की मांग करेंगे। आपको नहीं लगता? और ऐसा करते करते भारत रह कितना जाएगा? और आगे एक क्वेश्चन, भारतीय जनता जो चढ़ावा मंदिरों में चढ़ाती है वह पैसा सरकार ले लेती है, कुछ हिस्सा रखती है वहां पर, और वह पैसा दूसरे धर्म के लोगों को क्यों दिया जाता है मुफ्त में, जहां केवल और केवल आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे पैसे से। जो पैसा हमने भगवान के लिए चढ़ाया था वो पैसा लेकर के ऐसी संस्थाओं को दिया जा रहा है जो भारत में विखंडन करवाना चाहती हैं, वो शक्तियाँ जो भारत को तोड़ना चाहती हैं उनको पैसा क्यों दिया जा रहा है? अगला क्वेश्चन, भारत के तीर्थ स्थलों में जाने के लिए क्या सरकार किसी प्रकार की कोई सहायता देती है? भारत के किसी भी तीर्थ स्थल में जाने के लिए क्या सरकार या सरकारें, प्रांतियों प्रांत की सरकारें या केंद्र सरकार कोई पैसा देती है? अगला सवाल, तो फिर विधर्मियों को बाहर यात्रा करने जाने के लिए लाख रुपया क्यों लुटाया जाता है? और सवाल पूछूं आपसे, भारत के जो मित्र देश हैं जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहते हैं उन पर गाढ़ा संकट पड़ने पर भारत उनकी मदद क्यों नहीं करता? और आगे, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? अगला सवाल, पूरे विश्व में सबसे पुरानी धार्मिक संस्था कौन सी है, यानी कि धर्म पुराना सबसे पुराना धर्म कौन सा है? अगला सवाल, आज की तारीख में भी विश्व में सबसे अच्छा और सबसे उच्च धर्म कौन सा है? अगला सवाल, गौ माता के रक्षकों के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गौ हत्यारों के लिए कोई नाम नहीं दिया गया परंतु गौ हत्यारे को पकड़वाने के लिए, गौ हत्यारों को गौ हत्या से रोकने के लिए जो लोग
गौ माता की सेवा करने को जाते हैं उनको गुंडा शब्द से चिन्हित किया गया है। मेरा सवाल है, क्या ये गुंडे हैं? अगला सवाल करो, क्या भारत को अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पानी चाहिए? और कोई सवाल करूं? मैं जरूर करूंगा, परंतु अभी नहीं। अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, अपने जवाब जरूर देंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।